राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर, टीकाराम जूली बने हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता। कांग्रेस ने बनाया राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल का नेता और इस लिहाज से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे टीकाराम जूली। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें नियुक्त किया है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बने रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, कांग्रेस की ओर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है टीकाराम जूली को, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जिला परिषद से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले टीकाराम जूली वैसे बहरोड से आते हैं और अलवर अगर कहें कि तीन बार विधायक रहे हैं और तीन पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस ने पहली बार अगर कहें कि राजस्थान के अगर राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो पहली बार किसी दलित को जो है प्रतिपक्ष नेता के तौर पर चेहरा बनाया है। वैसे तो कांग्रेस ने जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में टीकाराम जूली को नियुक्त किया है, यानी अब वो इस पद के नाते अब प्रतिपक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भी जो है टीकाराम जूली रहेंगे। ऐसे में ये भी एक बड़ी रोचक बात हो जाती है कि पिछले 7 दशक में ये पहली बार है कि राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता का जो पद है पहली बार किसी दलित को मिला है और दलित के तौर पर ये पहले नेता यहाँ तक पहुंचने वाले। देखिए, ये अगर कहें टीकाराम जूली का लगभग सभी माना जा रहा था कि बहुत इनका नाम प्रमुख दावेदारों में था। पहले ये माना जा रहा था कि जो पीसीसी चीफ है डोटासरा उनको इस पद पर लगाया जाएगा, लेकिन डोटासरा को फिलहाल पीसीसी चीफ ही बनाए रखा गया है। लेकिन अब टीकाराम जूली जो कि एक दलित चेहरा भी और एक पार्टी के प्रति जो वफादारी होती है वो 3 दशक से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने इसके चलते उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी और इसके पीछे जो माना जा रहा है वो भंवर जितेंद्र सिंह का एक बड़ा कह सकते हैं कि उनका सपोर्ट है, जिसकी वजह से अलवर जो ग्रामीण जो विधानसभा है उससे जीत कर ये लगातार विधानसभा में 3री बार है जब विधायक बने हैं। गहलोत सरकार में वे पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं, बाद में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और सबसे का अगर कहा जाए तो गहलोत खेमे से जरूर हैं ये, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं और उनका एक बड़ा योगदान है उनकी राजनीति में, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह के लिए हो चाहे अगर बात करें टीकाराम जूली के लिए, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ये एक अलग बात है कि देखिए कि राजस्थान की राजनीति में दलित चेहरे के तौर पर अब कांग्रेस ने टीकाराम जूली को कहीं आगे बढ़ाया। तो दलित चेहरे के रूप में नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली पर कांग्रेस ने ये कार्ड खेला है। बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी शशिमन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, निजाम से भी हमारी बात हो रही थी और ये बात निकल के आई कि 3 दशकों से जो वफादारी टीकाराम जूली ने दिखाई है उसका आज परिणाम उन्हें मिला है। ये अलवर के काठुवास के रहने वाले हैं टीकाराम जूली और 3री बार विधानसभा में पहुंचे हैं और ऐसी पद पर उनको बिठाया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष की, पूरे विपक्ष की नुमाइंदगी करने वाला चेहरा, व्यक्ति जिसकी बात सदन में सब सुनते हैं। आप देखिए, सदन में 2 पद बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें से एक है सदन का नेता और एक है सदन में विपक्ष का नेता, और तीसरा पद जो महत्वपूर्ण है वो है विधानसभा अध्यक्ष, जो सभी सदस्यों को गवर्न करते हैं, सभी सदस्यों को अनुशासित रखते हैं, उनको निर्देशित करते हैं। टीकाराम जूली की जो जिम्मेदारी मिली है, अब ऐसे में उनकी भूमिका होगी कांग्रेस के जो हमले होंगे, जो सवाल होंगे विधानसभा में, उनको धार देना। आमतौर पर हमने नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद कटारिया को देखा है, वसुंधरा राजे को देखा है, इससे पहले हेमाराम चौधरी को देखा है, बी डी कल्ला को देखा है और दूसरे नेताओं को देखा है, रामेश्वर डूडी को देखा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है अपने नए विधायकों को तैयार करना, उनको हरावल दस्ते के रूप में आगे मुखर करना और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उसे कटघरे में खड़े करना। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो, सरकार अगर सही काम कर रही है तो प्रतिपक्ष की कोशिश होती है कि उसमें भी खामी निकाली जाए और विधायकों को सवाल पूछते समय गाइड करना कि किस तरीके से सवाल पूछने हैं। अगर विधायकों ने कोई सवाल लगाए हैं तो उनके पूरक प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं और जो संभावित पूरक प्रश्न हो सकते हैं उन पर विधायकों से बातचीत करना और उनको गाइड करना कि इस तरीके से आप सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष सदन में किसी विषय पर जब बात रखी जा रही होती है, बीच में बोलते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है। कई बार तो ऐसे मौके हमने देखे हैं जब मंत्रियों तक को रोका जाता है। ऐसे में टीकाराम जूली से बहुत बड़ी अपेक्षा होगी कांग्रेस की, किस पार्टी को मजबूत करे, पार्टी के नेतृत्व को मजबूत धार दे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये
नियुक्ति करना। बीएसी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसके सदस्य तो वो रहेंगे ही, क्योंकि जो भी नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो पदेन भी होते हैं बीएसी के विधानसभा में सदस्य। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी? देखिए, बहुत बड़ी जातियों में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति वर्ग बड़ी वर्ग में शामिल है, और उसमें टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाकर के एक मैसेज दिया गया है। ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद होता है, और कैबिनेट मंत्री कांग्रेस में हार के बावजूद एकमात्र व्यक्ति जो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद होगा, और क्या वो दलित वर्ग में अपना मैसेज पूरा दे पाएंगे, ये उनके ऊपर बड़ी टास्क होगी, बड़ी चुनौती होगी। पूरे विपक्ष को धार देना, विपक्ष के नेताओं की लीडरशिप करना, और कैसे कैसे नेताओं की लीडरशिप करना, 5 बार के सांसद, 6 बार के विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लीडरशिप, 2 बार के सांसद और 2 बार के विधायक सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री की लीडरशिप, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटाशरा की लीडरशिप, एआईसीसी महासचिव रहे हरीश चौधरी की लीडरशिप, तो सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की लीडरशिप, तो ऐसे ऐसे बड़े नेताओं का नेतृत्व करना, जो जुबैर खान है एआईसीसी के सचिव रहे उनकी लीडरशिप करना, तो ऐसे नेताओं को साधना होगा। और सवाल ये कि क्या टीकाराम जूली इसके लिए पहले से तैयार थे? अगर नहीं तैयार थे तो अब उन्हें होना होगा। भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस